सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं हूं शंकर लाल मीना और आज बात कर रहे हैं फ्लावरिंग के टाइम मुख्य किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो किसान शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी की गाइडलाइन से फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनके लिए मुख्य सूचना है कि ज्यादातर किसान गलती कर रहे हैं थाइपल बेरो, कश्मीरी बेरो या बालसिंदूरी बेरो या सीडलेस बेरो, सभी में अभी फ्लावरिंग चल रही है। फ्लावरिंग में मुख्य बातों का ध्यान रखना है, जो अभी बेर बनना स्टार्ट हो रहे हैं, फ्लावरिंग पूरी तरह चल रही है, तो कई किसान स्प्रे कर रहे हैं कीटनाशक का या फंगीसाइड या कोई सा भी स्प्रे हो, कोई भी स्प्रे नहीं करना है, अभी नेचुरली रखना है, क्योंकि राजस्थान में अभी ज्यादातर मानसून लेट था तो बारिशें हुई है, उसके कारण था एप्पल बेरो या सभी बेरों में थोड़ा नुकसान है, तो उसमें फ्लावरिंग के ऊपर आपको कोई भी स्प्रे नहीं करना है। जिनके अगर फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा, वो भाई स्प्रे कर सकता है, अन्यथा कोई भी स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि अगर स्प्रे करोगे तो जो पोल्यूनेशन होता है बेर में वो पोल्यूनेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा, क्योंकि पोल्यूनेशन मुख्यतः मधुमक्खी से होता है। अगर आप अपने पौधे पे कीटनाशक का स्प्रे करोगे तो मधुमक्खियां बिल्कुल भी नहीं आएगी आपके फार्म में, और मधुमक्खी नहीं आएगी तो पोल्यूनेशन पूरी तरह रुक जाएगा, और अगर पोल्यूनेशन नहीं होगा तो बेर भी नहीं बनेगा, फ्लावर ब्लैक होके डैमेज होके और सूख के गिरने लग जाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी स्प्रे नहीं करना है। अगर किसी किसान भाई के ज्यादा ही फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं तो वो प्लानोफिक्स का आप स्प्रे कर सकते हो, 5 ml 16 लीटर की टंकी की मात्रा होगी और उसका आप स्प्रे कर सकते हो। बाकी अगर जिनके अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, बेर बन रहे हैं, और वो किसान कोई भी स्प्रे ना करे, किसी के भी कहने से कोई भी स्प्रे ना करे, क्योंकि हम पिछले 4 साल से फार्मिंग कर रहे हैं और किसानों को करवा रहे हैं, उसमें मुख्यतः यही देखने को मिलता है कि किसान अच्छी मेहनत कर लेता है, लेकिन जब फ्लावरिंग आती है तो उस टाइम कोई न कोई कमी कर देता है, इस वजह से बहुत ही बड़ा नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। तो ऐसा कोई भी किसान ना करे, फ्लावरिंग अच्छी आ रही है, मौसम लेट था इस वजह से कुछ राजस्थान के कुछ हिस्सों में काफी नुकसान देखने को मिला है, उसके अनुसार आप कोई भी स्प्रे मत करिए। और जैसे पानी बहुत ही कम मात्रा में आपको देना है, 5 दिन या 7 दिन के अंतराल पे नॉर्मल पानी देना है पौधों को। जैसे फ्लड इरिगेशन से अगर कोई भाई पानी दे रहा है तो वो बहुत ही कम मात्रा में पानी दे, और जो ड्रिप इरिगेशन से पानी दे रहा है वो 5 से 7 दिन के अंतराल पे 1 घंटा अपने फार्म में ड्रिप चला दे, वो पर्याप्त है। ज्यादा अगर पानी दोगे तो उससे फ्लावरिंग ड्रॉप होगी और फ्लावर सूख के गिरेंगे, तो उससे बचने के लिए आप कम से कम मात्रा में पानी दें। और अब भी फ्लावरिंग के टाइम कोई भी स्प्रे नहीं करना है, कीटनाशक हो या फंगीसाइड हो या कोई सा भी स्प्रे नहीं करना, अगर स्प्रे करोगे तो नुकसान उठाना ही उठाना पड़ेगा। अगर ज्यादा ही फ्लावर ड्रॉप हो रहे हैं तो उसके लिए आपको बता ही दिया, वो स्प्रे करना है, पानी नियमित 5 से 7 दिन के अंतराल पे कम से कम मात्रा में देना है, नमी बनी रहे अपने पौधे में, और नमी से ही पौधा ग्रो भी करता रहेगा और फ्लावरिंग से बेर बनता रहेगा। तो इन बातों का आप मुख्य अभी ध्यान रखिए विशेष तौर से, और आपको पानी के साथ साथ जो पौधे की अच्छी ग्रोथ और बेर की अच्छी साइज के लिए आपको एनपीके 19:19, 1 साल का पौधा हो उसके लिए एनपीके 19:19 20 ग्राम और कैल्शियम 20 ग्राम उसके साथ में 10 ग्राम बोरोन, इन तीनों को आप प्रॉपर जो पानी दे रहे हो उसके साथ 15-15 दिन के अंतराल पे अभी आप चलने दीजिए 2 से 3 महीने के लिए, ताकि पौधे की ग्रोथ भी अच्छी बनी रहेगी और जो प्रोडक्शन होगा उसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होगी। जो किसान शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी की गाइडलाइन अनुसार फार्मिंग कर रहे हैं वो मुख्यतः ये सारे काम करिए, और जो किसान हमारे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जो नंबर दिए गए हैं उन पे आप अपना नाम और एड्रेस मैसेज करिए,
आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा और अधिक से अधिक जानकारी आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय जवान जय किसान।